हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI फॉर्म अप्लाई कैसे करें, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम A to Z बताने वाले हैं कि ITI फॉर्म को कैसे फिल करें, कैसे इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको गूगल पर टाइप करना है BSCV ITI। उसके बाद फ्रेंड्स, ये ऊपर में BSCV बोर्ड बिहार.गवर्नमेंट.in, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे नीचे में फ्रेंड्स आपको लिखा रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, ITI, उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे जो जो चीज़ बता रहा है उस वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, जैसे ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फ़ोटो पासपोर्ट साइज का, और यहाँ पे कम से कम 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ठीक है। तो फिर ये सब होना चाहिए। अगर ये है आपके पास तो आगे बढ़ते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें तो सबसे पहले दिया हुआ फ्रेंड्स, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हो उस वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके नीचे में जहाँ से आप पास किए हो अपने मैट्रिक्स, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप पटना से किए हो और आपका डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है तो आप पटना सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप दरभंगा से किए तो ठीक है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर योर फादर मदर, यहाँ पे आपको माता पिता कहाँ के निवासी है वो सिलेक्ट करना है, वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट को चूज करोगे वो एक कॉलेज, वही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज जो आपको है उसी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे री एंट्री और नेम सेम चीज़ नीचे में भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम, बीच में मिडिल नेम और लास्ट में लास्ट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स सेम नीचे में इसे सेम करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डालना है, डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद नीचे में फ्रेंड्स यहाँ पर आप बिहार के निवासी हैं तो यस, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका जो भी कैटेगरी है वो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में भी रीसिलेक्ट वही करना है, ठीक है, सेम चीज़ करना है। फिर उसके बाद डू यू क्लाइम डिजेबल कोटा, नो, ठीक है। और नीचे में फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल ID डालना है, फिर उसके नीचे में भी री इंटर ईमेल ID, फिर से ईमेल ID डालना है। यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे और वही से नीचे में डालेंगे कंफर्म पासवर्ड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर देना है उसका। फिर तो नीचे आते हैं, उसके बाद ये जो कैप्चा है फ्रेंड्स, ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद साइन अप करते हैं, तो ठीक है। उसके बाद हम करते हैं साइन अप। साइन अप होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है जो कुछ गलती हो गया है इसमें, तो आप यहाँ पे चेंज में जाके आप चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कंफर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंफर्म, मैं करता हूँ कंफर्म। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, एंटर एक्टिवेशन कोड, आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंटर एक्टिवेशन कोड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको एक्टिव करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस पर करता हूँ क्लिक। फ्रेंड्स यहाँ पे user ID जो आपका Gmail ID जो है यहाँ पे ये डालना है। उसके बाद आपका एक OTP आया होगा आपके जो नंबर पे, वो यहाँ पे OTP डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना user ID डाल रहा हूँ और यहाँ पे नीचे में OTP है, उसके बाद सबमिट करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स करते हैं सबमिट पे क्लिक। और ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद हाय कृष्णनंदन, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ये अकाउंट आपका क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसको लॉगिन। लॉगिन के लिए यहाँ पे सेम एड्रेस चाहिए फ्रेंड्स और नीचे में पासवर्ड चाहिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना ID, ठीक है। और जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर नीचे में यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, फिर उसके नीचे में फ्रेंड्स मदर्स नेम डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद
जेंडर चूज करना है, फिर रीसेलेक्ट जेंडर, फिर से वही सेम चीज़ करना है, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक मोल है राइट हैंड में, तो मोल इन राइट हैंड, ठीक है। जो भी आपके हाथ में कट टूट है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मोल इन राइट हैंड, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नीचे में है डू यू क्लाइम सर्विस मैन कोटा, तो यहाँ पे नो करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से हो वो सिलेक्ट करना है, फिर नीचे में पिन कोड डालना है, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड्स कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो अलग लिख सकते हो, अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा, एक हिंदी सिग्नेचर का और एक इंग्लिश सिग्नेचर का, वो भी 100 KB के अंदर में। अगर फ्रेंड्स अगर आपको इमेज को 100 KB के अंदर में नहीं अगर हो रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो, और बाकी आई बटन पे भी वीडियो है, वो देख के आप इजीली 100 KB के अंदर में आप फ़ोटो को बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा अपलोड हो चुका है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका 10th कम्प्लीट हो चुका है, अगर आपका रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर स्कूल का नेम डालना है, यहाँ पर कौन सा बोर्ड था, ठीक है। अगर पास हो गए हो तो यहाँ पर पास डालना है, अगर एफ पेयर हो तो एफ पेयर डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर कौन सी ईयर में पास की हो, ठीक है, 2022 तो 2022, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कितना आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना मार्क का था, कितना मार्क आया है, ये सब डालने के बाद फ्रेंड्स आपको ऑटोमेटिक नीचे में परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके करना है, रिकन्फर्म के लिए ओके, ठीक है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स ये फॉर्म अच्छे से एक बार चेक कर लेना फ्रेंड्स, कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। पूरा आप एक एक करके आप अच्छे से देख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म द एवव पे टिक करना, ठीक है। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप एडिट कर सकते हो, बाकी कन्फर्म एंड सबमिटेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, अब अगला स्टेप क्या है, पेमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ₹750 का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट टाइप हम ऑनलाइन करेंगे फ्रेंड्स। पेमेंट तो ऑनलाइन में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग ऑन अदर, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे नीचे में उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रोसीड टू पे क्लिक करता हूँ नीचे में यहाँ पे है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे 758.96 पैसे यहाँ पे टोटल मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कार्ड नंबर पूछा जाएगा, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और नेम ऑफ कार्ड। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स OTP आएगा, यहाँ पे OTP डाल देना। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ कंग्रेचुलेशंस, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर ITI CAT 2022, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ID भी मिल चुका है फ्रेंड्स, कितना पेमेंट किया हूँ, यहाँ पे सारा डिटेल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे है बैक टू माई एप्लीकेशंस, उस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यू पे जाके हम वो एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, ठीक है, और नीचे से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड योर एप्लीकेशन फ्रॉम पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसको क्या करना है, डाउनलोड करके अपना इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ITI का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।